हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फार्माकोग्नोसी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फार्माकोग्नोसी इज एन आउटग्रोथ ऑफ अथर्ववेदा, मटेरिका मेडिका, फार्माकोपिया, चरक संहिता। फार्माकोग्नोसी इज एन आउटग्रोथ ऑफ, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो ये होता है आउटग्रोथ ऑफ मटेरिका मेडिका, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। देन द टर्म फार्माकोग्नोसी इज डिराइव्ड फ्रॉम, किससे डिराइव्ड होता है टर्म फार्माकोग्नोसी? तो इसे डिराइव किया गया है फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स फार्माकोन एंड ग्नोसिस। फार्माकोन एंड ग्नोसिस। फार्माकोन का मीनिंग होता है ड्रग एंड ग्नोसिस का मीनिंग होता है नॉलेज। ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देन द टर्म फार्माकोग्नोसी वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय, किसने इंट्रोड्यूस्ड किया था द टर्म फार्माकोग्नोसी? ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये थे स्मिथ, कब इंट्रोड्यूस किया था? 1811 को। ये सभी अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चंस है। देन एक क्वेश्चन पूछा जाता है एस ए सिडलर पे, कौन थे ये? तो एस ए सिडलर यूज द वर्ड फार्माकोग्नोसी फर्स्ट टाइम, किसमें इन्होंने यूज किया था? तो इन हिज बुक एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका। एनालेक्टा, एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका। ठीक है, कब यूज किया था? 1815 को। ये सभी अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पिक्रिक एसिड इज, क्या होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पिक्रिक एसिड? मेयर्स रिएजेंट, वैगनर्स रिएजेंट, हैगर्स रिएजेंट, ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन है। तो मेयर्स रिएजेंट क्या होता है? पोटेशियम मर्क्यूरी आयोडाइड सॉल्यूशन। वैगनर्स रिएजेंट तो आयोडीन प्लस पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड सॉल्यूशन। हैगर्स रिएजेंट क्या होता है? तो यही होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पिक्रिक एसिड, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड इन्हें किस में यूज करते हैं? तो इन्हें यूज करते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्केलॉइड्स। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। बेलाडोना हर्ब बिलोंग टू द केमिकल क्लास ऑफ इंडोल एल्केलॉइड्स, आइसोक्विनोलिन एल्केलॉइड्स, ट्रोपेन एल्केलॉइड्स, क्विनाजोलिन एल्केलॉइड। किस में आता है बेलाडोना? तो क्या देखा था हमने बेलाडोना के बारे में? बायोलॉजिकल सोर्स एट्रोपा बेलाडोना। सिनोनिम बहुत बार पूछा जाता है, क्या होता है? डेडली नाइटशेड लीव्स। फैमिली बताइए, सोलानेसी फैमिली होती है ना, सोलानेसी। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट तो एट्रोपिन, हायोसायमिन। यूजेस क्या है? तो एंटीकोलिनर्जिक होता है, एंटीस्पास्मोडिक होता है। देन इसे पार्किंसोनिज्म में यूज करते हैं। देन इसे यूज करते हैं टू प्रिवेंट वेरियस सिक्रीशंस। ठीक है, एंड किस में आता है ये? तो ये आता है ट्रोपेन एल्केलॉइड्स में। कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। और क्या आता है ट्रोपेन एल्केलॉइड्स में? तो दतुरा, कोका, देन बेलाडोना, हायोसाइमस, विदानिया, ये सब आते हैं ट्रोपेन एल्केलॉइड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्गॉट कंटेंस विच टाइप ऑफ एल्केलॉइड्स? इंडोल, मॉडिफाइड डायटरपिन्स, प्यूरिन, आइसोक्विनोलिन। अर्गॉट कंटेंस विच टाइप ऑफ एल्केलॉइड्स? तो किस में आता है अर्गॉट? इंडोल एल्केलॉइड, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। अर्गॉट का बायोलॉजिकल सोर्स क्लेविसेप्स परपुरिया। फैमिली हिपोक्रेसी, हिपोक्रेसी फैमिली होती है ना अर्गॉट की। क्या होता है ये? तो ऑक्सीटोसिक होता है, ऑक्सीटोसिक होता है। देन माइग्रेन की ट्रीटमेंट में इसका यूज करते हैं, माइग्रेन की ट्रीटमेंट में। इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं? तो अर्गोटामाइन, अर्गोमेट्रिन, अर्गोसाइन। ठीक है, देन इनमें से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? तो वाटर सोल्यूबल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अर्गॉट, तो ये होता है अर्गोमेट्रिन। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। देन अर्गॉट की आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी पूछी जाती है, क्या होती है? वैन अर्क्स रिएजेंट, वैन अर्क्स टेस्ट। एंड वैन अर्क्स रिएजेंट क्या होता है? तो पैरा डाइमिथाइल अमाइनो बेंजाल्डिहाइड, पैरा डाइमिथाइल अमाइनो बेंजाल्डिहाइड, PDMABA। इंडोल एल्केलॉइड्स में और क्या आता है? तो एर्गॉट, विनका, नक्स वोमिका एंड रॉल्फिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एनिसोसाइटिक स्टोमाटा आर प्रेजेंट इन धतूरा, सेना, डिजिटालिस, वसाका। किसमें होता है एनिसोसाइटिक स्टोमाटा? स्टोमाटा भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनिसोसाइटिक, एनोमोसाइटिक, डायसाइटिक, पैरासाइटिक। ठीक है, तो एनिसोसाइटिक में क्या आएगा? तो एनिसोसाइटिक स्टोमाटा प्रेजेंट होता है आपके ट्रोपेन एल्केलॉइड्स में।
ऑल ट्रोपेन एल्कलॉइड्स कंटेंस एनिसोसाइटिक स्टोमाटा, बेलाडोना, धतूरा, स्ट्रोमियम, इन सब में होता है आपका एनिसोसाइटिक स्टोमाटा। क्या दिया है ऑप्शंस में, तो धतूरा है ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। सेना में कौन सा स्टोमाटा होता है, तो इसमें होता है पैरासाइटिक स्टोमाटा। सेना देन कोका, इनमें होता है पैरासाइटिक स्टोमाटा। ये अनोमोसाइटिक स्टोमाटा किस में होता है, तो ये होता है डिजिटालिस, देन क्लो में, फेनेल में, ओपियम में होता है, ठीक है। एंड डाइसाइटिक, तो ये होता है वसाका में एंड पेपरमिंट में, ठीक है। वसाका, डाइसाइटिक, डिजिटालिस, एनोमोसाइटिक, सेना, पैरासाइटिक, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट ग्लाइकोसाइड्स, बेनेडिक्स टेस्ट, बॉन्ड्राइगर रिएजेंट टेस्ट, हैगस रिएजेंट टेस्ट, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। कौन सी टेस्ट का यूज करेंगे टू डिटेक्ट ग्लाइकोसाइड्स, तो ग्लाइकोसाइड्स के लिए होती है आपकी बॉन्ड्राइगर रिएजेंट टेस्ट, ऑप्शन बी विल बी आर करेक्ट आंसर। ये स्पेशली होती है एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के लिए कौन सी टेस्ट होती है, तो लीगल टेस्ट, देन बालजेट टेस्ट, और क्या होती है, रेमन टेस्ट, केलर के लिए नहीं टेस्ट, केलर के लिए नहीं टेस्ट, ठीक है। ये सभी टेस्ट होती है फॉर कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। ये बेनेडिक टेस्ट किसके लिए है, तो ये होती है आपकी रिड्यूसिंग शुगर्स के लिए। हैगर्स रिएजेंट टेस्ट एल्कलॉइड्स के लिए होती है ना, हैगर्स टेस्ट, मेयर्स टेस्ट, देन वैगनर्स टेस्ट, ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट। एंड ये ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट GTT किसके लिए होती है, शुगर के लिए होती है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्गेटिव एक्शन ऑफ एलो इज ड्यू टू बारबेलोइन, एलोसिन, एलोइन, एलो इमोडिन। इनमें से किसके वजह से होती है पर्गेटिव एक्शन ऑफ एलो, तो ये होती है ड्यू टू एलोसिन, ऑप्शन बी। किसमें आता है आपका ये एलो, तो ये आता है आपके एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड्स में। इसकी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कौन सी होती है, तो क्लंग्स टेस्ट, देन आती है आपकी बोरेक्स टेस्ट, कुप्रेलोइन टेस्ट, कुप्रेलोइन टेस्ट, ये सभी टेस्ट होती है एलो के लिए। फैमिली क्या होती है, लिलियासी, लिलियासी फैमिली होती है। फैमिली पे भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। देन एलो पे और एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, द अमाउंट ऑफ बारबेलोइन प्रेजेंट इन एलोवेरा, तो ये होता है 3.5 to 4%, ठीक है। 3 से 4 बार ये क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच रिएजेंट इज यूज टू डिटेक्ट फिनोलिक कंपाउंड्स, वैनिलिन सल्फ्यूरिक एसिड, ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट, निनहाइड्रिन टेस्ट, मिथेनोलिक फेरिक क्लोराइड। किसका यूज करेंगे टू डिटेक्ट फिनोलिक कंपाउंड्स, तो फिनोलिक कंपाउंड्स के डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं मिथेनोलिक फेरिक क्लोराइड का, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। निनहाइड्रिन टेस्ट अमाइनो एसिड्स के लिए यूज होती है, ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट एल्कलॉइड्स के लिए क्या होता है ये, तो पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड होता है। एंड वैनिलिन सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसे यूज करते फॉर द डिटेक्शन ऑफ स्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड्स एंड इसेंशियल ऑयल्स के डिटेक्शन के लिए इसका यूज करते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिफला एंड च्यवनप्राश कंटेन आमला, गोखरू, अजवाइन, मीर। क्या होता है त्रिफला एंड च्यवनप्राश में, तो इसमें आमला होता है ना, ऑप्शन ए। आमला का सिनोनिम भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, क्या होता है, तो इंडियन गूसबेरी, इंडियन गूसबेरी आमला, ठीक है। आमला का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, तो इम्बलिका ऑफिशिनेलिस, इम्बलिका ऑफिशिनेलिस, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। फैमिली यूफोरबियासी, यूफोरबियासी फैमिली होती है ना आमला की। देने मीर क्या होता है, तो ये होता है आपका ओलियोगम रेजिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच बार्क ड्रग इज यूज्ड एज कार्डियोटॉनिक, अशोका, सिनेमन, अर्जुना, टेरोकार्पस। क्या होता है कार्डियोटॉनिक, तो कार्डियोटॉनिक अर्जुना होता है ना, ऑप्शन सी। किस में आता है अर्जुना, तो टैनिन्स में आता है अर्जुना, टैनिन होता है, बायोलॉजिकल सोर्स टर्मिनालिया अर्जुना, फैमिली कॉम्ब्रेटेसी, एंड शेप ऑफ अर्जुना बार्क क्या होता है, तो फ्लैट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिडनोकार्पस ऑयल इज द सिनोनिम ऑफ चॉलमोगरा ऑयल, लिंसिड ऑयल, कैस्टर ऑयल, RHS ऑयल। हिडनोकार्पस ऑयल इज द सिनोनिम ऑफ, तो ये होता है चॉलमोगरा ऑयल, ऑप्शन ए। यूज़ क्या होता है इसका, तो इसे यूज़ करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रसी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कटेचू इज यूज्ड इन मेडिसिन एज, क्या होता है कटेचू,
तो ये होता है एस्ट्रिंजेंट, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। कटेचू की फैमिली क्या होती है? तो इसकी फैमिली होती है लेग्यूमिनोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेविल्स टंग इज द सिनोनिम ऑफ, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन है, इसका सिनोनिम होता है डेविल्स टंग, मीर, असाफोटिडा, डिजिटालिस, जिनसेंग। तो डेविल्स टंग, असाफोटिडा, ऑप्शन बी। असाफोटिडा होता है ओलियोगम रेजिन। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? तो फेरुला फोटिडा फैमिली, अम्बेली फेरी फैमिली होती है, एंड ये होता है कार्मिनेटिव, नर्व टॉनिक, फ्लेवरिंग एजेंट होता है। ठीक है, असाफोटिडा देन मीर, ये होते हैं ओलियोगम रेजिन। डिजिटलिस क्या होता है? तो ये कार्डिक ग्लाइकोसाइड होता है, इसका सिनोनिम क्या होता है? फॉक्स ग्लो लीव्स, फॉक्स ग्लो लीव्स। इसकी फैमिली स्क्रोफुलेरियासी, एंड इसे यूज करते हैं कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में। ठीक है, और क्या पूछा जाता है डिजिटलिस पे? तो कलर ऑफ डिजिटलिस लीव्स, तो कलर होता है डार्क ग्रेइश ग्रीन, डार्क ग्रेइश ग्रीन कलर होता है, पूछा हुआ है क्वेश्चन है। देन एडल्ट्रेंट ऑफ डिजिटलिस लीव्स, तो एडल्ट्रेंट होता है वर्बैस्कम थाप्सस, वर्बैस्कम थाप्सस। ठीक है, देन ए डिटेल स्टडी ऑन डिजिटलिस वॉज कैरिड आउट बाय, कौन से साइंटिस्ट ने किया था डिटेल स्टडी ऑफ डिजिटलिस? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो ये थे विलियम विदेरिंग, विलियम विदेरिंग, विदेरिंग। ठीक है, एंड स्टोमाटा कौन सा देखा था हमने डिजिटलिस में? एनोमोसाइटिक, एनोमोसाइटिक स्टोमाटा प्रेजेंट होता है डिजिटलिस में। देन जिनसेंग क्या होता है? तो सेपोनिन ग्लाइकोसाइड होता है, इसकी फैमिली होती है एरेलियासी, एरेलियासी। ये सभी क्वेश्चंस आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ जिलेटिन? लिपिड, प्रोटीन, एस्टर, कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है जिलेटिन? तो हमने देखा था जिलेटिन इज ए प्रोटीन, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। जिलेटिन का सिनोनिम क्या होता है? तो जिलेटिनम, जिलेटिनम होता है जिलेटिन का सिनोनिम, एंड इसका चीफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है प्रोटीन, प्रोटीन में होता है ग्लूटीन, ग्लूटीन होता है जिलेटिन में। प्रोटीन डेरिवेटिव ऑब्टेंड आफ्टर प्यूरिफाइंग एंड इवेपोरेटिंग द एक्वस एक्सट्रैक्ट ऑफ स्किन देन बोन एंड टेंडन्स ऑफ एनिमल्स होता है आपका जिलेटिन। इसकी फैमिली क्या होती है? तो बोविडी, बोविडी फैमिली होती है जिलेटिन की। यूज़ क्या होता है? तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैप्सूल शेल्स देन बाइंडिंग एजेंट इन टैबलेट्स। ठीक है, चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एग्जाम्पल ऑफ ए फार्मास्यूटिकल एड इज पेक्टिन, डायस्कोरिया, धतूरा, डिजिटलिस। क्या होता है एग्जाम्पल ऑफ फार्मास्यूटिकल एड? तो ये होता है पेक्टिन, ऑप्शन ए। पेक्टिन की फैमिली रूटैसी, रूटैसी फैमिली होती है पेक्टिन की, एंड ये पेक्टिन होता है प्यूरिफाइड कार्बोहाइड्रेट ऑब्टेन फ्रॉम इनर पोर्शन ऑफ साइट्रस पील्स। ठीक है, एंड इसका यूज करते हैं डायरिया में, एंड ये होता है इमल्सिफाइंग एजेंट। डायस्कोरिया का बायोलॉजिकल सोर्स, तो डायस्कोरिया डेल्टाइडिया, इसका सिनोनिम होता है याम, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देन इसका चीफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है डियोसजेनिन, डियोसजेनिन। ठीक है, फैमिली क्या है? डायस्कोरियासी। ठीक है, एंड इसे बोला जाता है रूमेटिज्म रूट, रूमेटिज्म रूट बोला जाता है, इसका यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। धतूरा क्या है? तो ट्रोपेन एल्केलॉइड होता है, फैमिली सोलानेसी होती है, एंटीस्पाज्मोडिक होता है, सीएनएस डिप्रेसेंट होता है। ठीक है, चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्जॉर्बेबल टाइप ऑफ सूचर मटेरियल? कौन सा है एब्जॉर्बेबल टाइप ऑफ सूचर मटेरियल? ब्रोकैफिल, हॉर्स हेयर, सिल्क, लिनन। एब्जॉर्बेबल टाइप ऑफ सूचर मटेरियल, तो ये होता है ब्रोकैफिल, ऑप्शन ए। और क्या आता है एब्जॉर्बेबल टाइप में? तो कैटगट आता है, कैटगट, देन ब्रोकैफिल, ये होते हैं एब्जॉर्बेबल टाइप ऑफ सूचर मटेरियल। ये सभी डाइजेस्ट होते हैं इन द टिश्यू ऑफ बॉडी आफ्टर वुंड हैज हील्ड। नॉन एब्जॉर्बेबल मटेरियल में क्या आता है? तो इसमें आता है सिल्क, लिनन, कॉटन, नायलॉन आता है, एंड डीज आर नॉट डाइजेस्टेड इन द टिश्यू ऑफ बॉडी आफ्टर वुंड हैज हील्ड। इनमें से सिल्क आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सिल्क का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? तो बॉम्बिक्स मोरी, बॉम्बिक्स मोरी। इसकी फैमिली क्या होती है? बॉम्बिसिडी, बॉम्बिसिडी फैमिली होती है। देन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोटीन होता है, प्रोटीन में
फाइब्रोइन प्रेजेंट होता है ये सिल्क में, एंड सूचर्स सीव्स एंड लिगेचर्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम सिल्क। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ड्रग सोर्स फ्रॉम एनिमल्स? एस्बेस्टॉस, जिलेटिन, कॉड लीवर, बीजवैक्स। नॉट ए ड्रग सोर्स फ्रॉम एनिमल्स। तो ये एस्बेस्टॉस किससे डिराइव करते हैं? तो ये मिनरल फाइबर होता है विच इज ऑकर्स इन द रॉक्स एंड सॉइल्स। ये रॉक्स एंड सॉइल्स में पाया जाता है। सो एस्बेस्टॉस इज नॉट ए ड्रग सोर्स फ्रॉम एनिमल्स, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। बीज वैक्स किससे ऑप्टेन करते हैं? तो इट इज ऑप्टेन फ्रॉम हनीकॉम्ब, बीज के हनीकॉम्ब से ऑप्टेन करते हैं ना बीज वैक्स, हनीकॉम्ब। इसकी फैमिली क्या होती है? तो एपीडी, एपीडी फैमिली होती है बीज वैक्स की। एंड इसका यूज करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट्स, देन प्लास्टर्स एंड पॉलिशिंग ऑफ टैबलेट्स। पॉलिशिंग एजेंट होता है ना बीज वैक्स। कॉड लीवर, तो ये एनिमल सोर्स से ऑप्टेन करते हैं। जिलेटिन, तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, प्रोटीन डेरिवेटिव ऑप्टेंड आफ्टर प्यूरिफाइंग एंड इवेपोरेटिंग ऑफ एक्वस एक्सट्रैक्ट ऑफ स्किन, बोन एंड टेंडन्स ऑफ एनिमल्स होता है जिलेटिन। इसमें ग्लूटीन प्रेजेंट होता है जो प्रोटीन होता है। फैमिली होती है बोविडी। ये इनकैप्सुलेटिंग एजेंट होता है ना जिलेटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लैक्सेटिव? कौन सा है लैक्सेटिव? इसबगुला, कैनाबिजेरॉल, कैनाबिनॉल, कैनाबिडियॉल। लैक्सेटिव कौन सा है? तो इसबगुला होता है ना, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। इसका बायोलॉजिकल सोर्स प्लांटागो ओवाटा, प्लांटागो ओवाटा। इसकी फैमिली क्या होती है? तो प्लांटाजिनेसी, प्लांटाजिनेसी फैमिली होती है ना इसबगुल की। चीफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, तो इसमें म्यूसिलेज प्रेजेंट होता है। म्यूसिलेज कितना होता है? 10%। यूज क्या होता है इसबगुल का? तो अमीबिक डिसेंट्री में इसका यूज करते हैं, बेसिलरी डिसेंट्री में यूज करते हैं, डायरिया में यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोर्स ऑफ कॉड लीवर ऑयल, गैडस मोरुआ, सैकेरोमाइसिस सर्विसी, हाइपोप्रियन बेबीरोस्ट्रिस, प्लांटागो ओवाटा। तो ये प्लांटागो ओवाटा अभी इसबगुल का देखा था ना हमने बायोलॉजिकल सोर्स। कॉड लीवर ऑयल का क्या होता है? गैडस मोरुआ, ऑप्शन ए। ये सैकेरोमाइसिस सर्विसी किसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ये होता है ईस्ट का बायोलॉजिकल सोर्स। ईस्ट का बायोलॉजिकल सोर्स होता है सैकेरोमाइसिस सर्विसी। एंड ये हिपोप्राइन बेवेरोस्ट्रिस किसका बायोलॉजिकल सोर्स है? तो ये होता है शार्क लीवर ऑयल का बायोलॉजिकल सोर्स, शार्क लीवर ऑयल। ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। शार्क लीवर ऑयल कंटेंस विटामिन ए, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेथड ऑफ वोलेटाइल ऑयल एक्सट्रैक्शन फ्रॉम हर्ब्स इज नोन एज? सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, स्टीम डिस्टिलेशन, एक्सप्रेशन, इनफ्लोरेसेंस। द मेथड ऑफ वोलेटाइल ऑयल एक्सट्रैक्शन फ्रॉम हर्ब्स, क्या बोला जाता है इसे? तो ये होता है स्टीम डिस्टिलेशन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन सेना इज एडल्ट्रेटेड विद, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। इंडियन सेना इज एडल्ट्रेटेड विद केशिया ओबोवाटा, केशिया एंगुस्टिफोलिया, केशिया ऑरिकुलाटा, ऑल ऑफ दिस। तो ये सभी होते हैं ना एडल्ट्रेंट्स ऑफ इंडियन सेना, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये केशिया ओबोवाटा होता है आपका डॉग सेना, केशिया एंगुस्टिफोलिया इंडियन सेना, अर्टिने वैली सेना होता है, केशिया ऑरिकुलाटा पार्टे सेना होता है। सेना किस में आता है? तो ये एंथ्रेसिन ग्लाइकोसाइड्स में आता है ना। इसकी फैमिली क्या होती है? तो लेग्यूमिनोसी, ये परगेटिव होता है। इसमें प्रेजेंट होता है सेनोसाइड ए एंड सेनोसाइड्स बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केलर किलियानी टेस्ट इज द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर? तो केलर किलियानी टेस्ट, रेमन टेस्ट, बालजेट टेस्ट, लीगल टेस्ट, ये सभी होती है ग्लाइकोसाइड्स के लिए। ऑप्शंस में कौन सा दिया है आपको ग्लाइकोसाइड? तो डिजिटलिस है ना, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड होता है एंड इसकी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होती है केलर किलियानी टेस्ट। सिनोनिम क्या है डिजिटलिस का? फॉक्सग्लो लीव्स। बायोलॉजिकल सोर्स डिजिटलिस परपुरिया, फैमिली स्क्रोफुलेरियासी, एंड प्रेजेंस ऑफ डीऑक्सी शुगर इन डिजिटलिस इज आइडेंटिफाइड बाय केलर केलियानी टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एर्गोट गिव्स ए ब्लू कलर विद अल्कली, ट्रिप्टोफन रेसिड्यू, इंडोल रिंग, एर्गोटॉक्सिन, लिसर्जिक एसिड। एर्गोट गिव्स ब्लू कलर विद अल्कली, किसके साथ देता है एर्गोट ब्लू कलर? तो ये देता है विद लिसर्जिक एसिड, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। एर्गोट क्या होता है? तो एर्गोट इज ए फंगस,
इंडोल एल्कलॉइड्स में आता है, बायोलॉजिकल सोर्स होता है क्लाविसेप्स परपुरिया, फैमिली होती है हिपोक्रेसी, ऑक्सीटोसिक होता है ये, देन माइग्रेन के ट्रीटमेंट में इसका यूज करते हैं। इसमें प्रेजेंट होता है अर्गोटामाइन, अर्गोमेट्रिन, अर्गोसाइन। इसका वाटर सोल्यूबल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है अर्गोमेट्रिन। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होती है वैनर्स रिएजेंट टेस्ट। वैनर्स रिएजेंट क्या होता है? पैरा डाई मिथाइल अमाइनो बेंजाल्डिहाइड, PDMABA। ठीक है, ये सभी अभी तक के एर्गोट पे पूछे हुए क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फैमिली ऑफ इपेकैक इज अपोसाइनेसी, रूबिएसी, लेग्यूमिनोसी, एकेंथेसी। फैमिली ऑफ एपेकैक, तो ये एपेकैक आता है आइसोक्यूनोलिन एल्कलॉइड्स में। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? सेफेलिस इपेकैकुना। फैमिली होती है आपकी रूबिएसी। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, तो इसमें इमेटिन प्रेजेंट होता है एंड सिफेलिन प्रेजेंट होता है। यूज क्या है? तो अमीबिक डिसेंट्री में इसका यूज करते हैं। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग एक्ट्स एज एंटी स्पास्मोडिक। कौन सा होता है एंटी स्पास्मोडिक? एकोनाइट, वसाका, हायोसाइमस, कोडेन। एंटी स्पास्मोडिक, तो क्या देखा था हमने? ट्रोपेन एल्कलॉइड्स में जो हायोसाइमस आता है ये होता है एंटी स्पास्मोडिक। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। हायोसाइमस का सिनोनेम भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, क्या होता है? तो होता है हेनबेन। फैमिली क्या है? सोलानेसी फैमिली होती है ना, सोलानेसी। चीफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, तो हायोसाइमिन, देन हायोसिन, एट्रोपिन, एंड ये होता है एंटी स्पास्मोडिक, सेडेटिव होता है। देन टू चेक सलाइवरी सिक्रीशन इसका यूज करते हैं। ठीक है, एंड ट्रोपेन एल्कलॉइड्स की आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या होती है? ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये होती है विटालिमोरिन टेस्ट। विटालिमोरिन टेस्ट होती है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रोपेन एल्कलॉइड्स। ठीक है, कोडेन क्या है? तो कफ सप्रेसेंट होता है, वसा का एक्सपेक्टोरेंट होता है, ब्रोंको डायलेटर होता है। एकोनाइट, तो इसका यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ न्यूरालजिया, टेंसाइटिका, रूमेटिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट डज नॉट गिव पॉजिटिव टेस्ट विथ। इनमें से किसके साथ ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट पॉजिटिव टेस्ट नहीं देता? डज नॉट गिव पॉजिटिव टेस्ट विथ कैफेन, मॉर्फिन, कोडेन, इमिटिन। तो क्या होता है ये ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट? तो ये होता है पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड सॉल्यूशन। एंड ए कैफेन क्या होता है? 137 ट्राई मिथाइल ज़ैंथिन होता है ना। इसकी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या देखी थी हमने? तो म्यूरेक्साइड टेस्ट। किस में आता है ये कैफीन? तो प्यूरिन, प्यूरिन एल्कलॉइड्स में आता है ना। CNS स्टिमुलेंट होता है। तो ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट पॉजिटिव टेस्ट नहीं देता विथ कैफीन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच आयुर्वेदिक डोसेज फॉर्म हैज़ नो एक्सपायरी डेट। किसकी एक्सपायरी डेट नहीं होती? श्वेत पारपटी, वर्टी, पारपटी, वटी। विच आयुर्वेदिक डोसेज फॉर्म हैज नो एक्सपायरी डेट? तो एक्सपायरी डेट आपकी पारपटी की नहीं होती। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आयुर्वेदिक डोसेज फॉर्म बिकेम मोर इफिकेशियस विद द पैसेज ऑफ टाइम? असवा, गुगुल, तैला, लेपगुटी। बिकम मोर इफिकेशियस विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम जाएगा वो मोर इफिकेशियस होता जाएगा। कौन सा डोसेज फॉर्म होता है? तो ये होता है आपका असवा। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। देन लास्ट ईयर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था, धतकी पुष्प इज यूज एज एन इंग्रेडिएंट इन प्रिपरेशन ऑफ। किसकी प्रिपरेशन में यूज करते हैं धतकी पुष्प का? तो ये भी होता है असवा। असवा एंड अरिष्टा के प्रिपरेशन में भी यूज करते हैं धतकी पुष्प का। देन विच आयुर्वेदिक प्रिपरेशन कंटेंस सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल? सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये भी होता है असवा। देन मेडिकेटेड अल्कोहलिक लिक्विड्स प्रिपेयर्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ रॉ वेजिटेबल जूसेस विथ असवा। ठीक है, ये सभी प्रीवियस ईयर पूछे हुए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाक इज विच टाइप ऑफ आयुर्वेदिक डोसेज फॉर्म? किसमें आता है पाक? तो पाक होता है आपका सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ क्लास ऑफ कंपाउंड्स, टैनिंस, स्टेरॉइड्स, ग्लिसराइड्स, रेजिन्स। किसकी आइडेंटिफिकेशन में यूज करते हैं गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट का? तो ये हमने देखा था टैनिंस में।
टैनिंस की आइडेंटिफिकेशन में यूज़ करेंगे ना, गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट का ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। और कौन सी टेस्ट का यूज़ करते हैं फॉर डिटेक्शन ऑफ टैनिंस? तो फिनाजोन टेस्ट और जिलेटिन टेस्ट। स्टेरॉइड्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए कौन सी टेस्ट यूज़ करेंगे? तो लीबरमन बर्चार्ड टेस्ट, देन साल्कोवास्किस टेस्ट। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन आपकी सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।